नमस्कार दोस्तों, स्टोरीज ऑफ गॉड में आपका स्वागत है। राजश्री शांतनु की पत्नी बनने के बाद सत्यवती ने दो पुत्रों को जन्म दिया, चित्रांगद और विचित्रवीर। दोनों ही बड़े होनहार और पराक्रमी थे। अभी चित्रांगद ने युवावस्था में प्रवेश भी नहीं किया था कि राजश्री शांतनु स्वर्गवासी हो गए। भीष्म जी ने सत्यवती की सहमति से चित्रांगद को राजगद्दी पर बिठाया। उसने अपने पराक्रम से सभी राजाओं को पराजित किया। वह किसी भी मनुष्य को अपने सम्मान नहीं समझता। गंधर्वराज चित्रांगद ने देखकर कि शांतनुनंदन चित्रांगद अपने बल पराक्रम से देवता मनुष्य और असुरों को नीचा दिखा रहे हैं, उस पर चढ़ाई कर दी। दोनों के बीच कुरुक्षेत्र की भूमि पर 3 वर्ष युद्ध चला। गंधर्वराज चित्रांगद बहुत बड़ा मायावी, उसके हाथों राजा चित्रांगद की मृत्यु होगी। देवव्रत भीष्म ने भाई की अत्येष्टि क्रिया करने के पश्चात विचित्र वीर को राजगद्दी पर बिठाया। विचित्र वीर भीष्म की वीरता और सद्गुणों का भगत था। उनके मार्गदर्शन में वह पुरखों का राज चलाने लगा। कुछ समय पश्चात जब विचित्रवीर युवा हुआ, तब भीष्म के मन में उनके विवाह का विचार आया। तब उन्हें समाचार मिला कि काशी नरेश की 3 कन्याओं का स्वयंवर होने वाला है। तब वह अपनी माता सत्यवती से आज्ञा लेकर काशी की ओर चलती। स्वयंवर के समय जब राजाओं का परिचय दिए जाने लगा, तब शांतनुनंदन भीष्म को अकेला समझकर सुंदर कन्याएं घबरा कर आगे बढ़ गई। उन्होंने समझा कि ये बूढ़ा है। वहां बैठे हुए राजा लोग भी आपस में हंसी करते हुए कहने लगे, भीष्म ने तो ब्रह्मचारी की प्रतिज्ञा ली थी, अब बाल सफेद होने पर और झुर्रियां पड़ने पर बूढ़ा लज्जा छोड़कर यहाँ क्यों आया। ये सब देख सुनकर भीष्म को रोष आ गया। उन्होंने अपने भाई के लिए बलपूर्वक हर कर कन्या को रथ पर बैठाया और कहा, मैं तुम लोगों के सामने कन्या को बलपूर्वक हरण कर रहा हूं, तुम लोग अपनी पूरी शक्ति लगाकर मुझे जीत लो या हार कर भाग जाओ। भीष्म के तिरस्कार से सभी राजा तिल मिलाकर एक होकर युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। सब ने भीष्म पर एक साथ ही 10,000 बाण चलाए, परंतु उन्होंने अकेले ही सबको काटा। भीष्म के सामने किसी की एक ना चली। वह भयंकर युद्ध देवासुर संग्राम जैसा था। भीष्म ने युद्ध स्थली में शस्त्र, धनुष, बाण, ध्वजा, कवच और सिर काट डाले। भीष्म विजय होकर कन्याओं के साथ हस्तिनापुर लौट आए। वहां उन्होंने तीनों कन्याएं विचित्र वीर को समर्पित कर दी। तब काशी नरेश की बड़ी कन्या अंबा ने भीष्म से कहा, भीष्म, मैं पहले मन ही मन राजा शाल्व को पति मान चुकी, इसमें मेरे पिता की भी सहमति थी, मैं स्वयंवर में उन्हें ही चुनती, मेरी ये बात सुनकर आप धर्मानुसार आचरण करें। भीष्म ने ब्राह्मणों के साथ विचार करके अंबा को उसकी इच्छा के अनुसार जाने की अनुमति दे दी और शेष 2 कन्याएं अंबिका और अंबालिका को विचित्र वीर के साथ ब्याह दिया। विवाह के बाद विचित्र वीर यौवन के उन्माद में उन्मक्त होकर काम सख्त हो गया। 7 वर्ष तक विष सेवन करते रहने के कारण भरी जवानी में विचित्र वीर को कषाय हो गया और बहुत चिकित्सा करने पर भी वह स्वस्थ नहीं हो पाया और उस कषाय रोग के कारण उसकी मृत्यु। आशा करता हूं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें और शेयर करें और दोस्तों हमें कमेंट में बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी है। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगी हुई नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले देखने को मिल सके। धन्यवाद।